हेलो फ्रेंड्स, मैं रजकांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बनाना सीखेंगे नेट का फ्रिल ब्लाउज डिजाइन बोट नेक में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका लंबाई हम रखेंगे 15 इंच और चेस्ट रखेंगे 34 इंच की होगा 34 इंच और कमर है 7.25 इंच, तो हम 27.5 इंच रखेंगे कमर है इसका। और इसका शोल्डर है 7 इंच और आर्म होल भी है 7 इंच और इसका नेक विड्थ हम रखेंगे 4 इंच और नेक का एक लंबाई रखूंगी 3 इंच और इसे अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसे अच्छे से हम गुलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से 4 इंच पर एक मार्क करेंगे, वैसे ही 4-4 इंच पर पूरे में मार्क कर लेंगे हम। तो देखिए ऐसे ही हम गोलाई में मार्क कर लेंगे और इसे हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट हमने कटिंग कर दिया है। देखिए यहाँ पर मैं रेबी पट्टी को कटिंग किया है और इसे हम दो फोल्ड में करके इस पर सिलाई अटैच कर देंगे। जो ये गला है इसे हम बना लेंगे पहले। आपको जो रेबी पट्टी हल्का खींच कर अटैच करनी है, ज्यादा नहीं थोड़ा। तो ऐसे ही हम पूरे में पट्टी को अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है, इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो देखिए एक सिलाई हम ऊपर से अटैच करेंगे ताकि जो गले का है वो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा इससे। तो देखिए इसे अंदर की तरफ से मोड़ लेंगे, फिर एक सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए हमने इस गले को बना लिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने कपड़ा है उसी अनुसार हम नेट फैब्रिक को भी कटिंग करेंगे और नेट फैब्रिक को हम 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे से रखेंगे क्योंकि हमें सिलाई में भी लेनी होगी। सिलाई के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए इस नेट को हम रेबी पट्टी में कटिंग करेंगे और इसके गले को बना लेंगे। तो ऐसे ही रेबी पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। इस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और इसे अंदर की तरफ से रख के इस पर सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फिर एक गले को भी हमने बना लिया है। तो देखिए इसे आपको कपड़े पर रख के बताएंगे। तो देखिए हम इसका चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और लंबाई रखेंगे 30 इंच।
और इसे दो फोल्ड में करके इस पर सिलाई अटैच कर देंगे। तो ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर लेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम सीधे साइड में कर लेंगे। आप इसे कोई भी चीज से पलट सकते हैं। तो देखिए मैंने सीधे साइड में कर लिया है। इस पर हम प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमने प्रेस कर लिया इसे अच्छे से। तो देखिए जो नेट फैब्रिक उस पर हम फ्रिल बनाएंगे। तो ऐसे ही पूरे गले पर हम प्लट्स को लगा लेंगे। तो देखिए हमने ऐसे ही पूरे में अटैच कर लेंगे। चलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर रखकर हम सिलाई को अटैच करेंगे। तो पहले हम पिनअप कर लेंगे ताकि जो कपड़ा और नेट है वो खिसक नहीं पाए। आपको जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसी अनुसार आपको यहाँ पर सिलाई अटैच करना है। ना हो के तो आप बीच में मार्क कर ले पहले। तो देखिए हमने इसीलिए पिनअप कर लिया है। तो चलिए इस पर हम पूरे में सिलाई को अटैच कर लेते हैं। ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने पूरे में सिलाई अटैच कर लिया है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हम कटिंग कर लेंगे और जो पिनअप किया था उसे भी निकाल देंगे। और इस पर हम टॉक्स लगाएंगे। ये टॉक्स हम 1 इंच नीचे और लंबाई इसका 5 इंच रखेंगे। तो चलिए हम पहले सिलाई कर लेते हैं। वैसे ही हम दूसरी तरफ भी टॉक्स को लगा लेंगे। सेम ऐसे ही 1 इंच नीचे और 5 इंच इसका लंबाई रखेंगे क्योंकि ये 1 टक्स है ब्लाउज। तो देखिए हमने 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा नीचे रखती हूँ वो उसे फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए ऐसे ही 1 फोल्ड करके पूरे में सिलाई को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है और नीचे जो नेट फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर हम मोती अटैच करेंगे। ये मोती आपको अच्छे से बांध लेना है। तो ऐसे ही हम पूरे में मोती को अटैच कर लेंगे। तो देखिए ऐसे ही पूरे मोती को हम अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप बताइएगा ये डिजाइन आप लोग का कैसा लगा। तो यदि वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में।